यानी कि हमें जो ग्लूकोज है जब वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल से टूट के ग्लिसरेडियाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ग्लिसरेडियाइड 3 फॉस्फेट का और एक मॉलिक्यूल है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का। तो अगर हम इनको इंटरकन्वर्टेबल माने तो दो दो मॉलिक्यूल ग्लिसरेडियाइड 3 फॉस्फेट के हैं, वो फर्दर क्या होते हैं, किस फेज में जाते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज में। कौन सा फेज है? ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, जो स्टेप 6 से लेके स्टेप 10 तक, जिनमें हमने पढ़ा था कि जो 4 ADP ये मॉलिक्यूल है उनका, उनके संरक्षण से 4 ADP अणुओं का फॉस्फोरिलेशन होता है स्टेप 7 से स्टेप 10 तक, और 4 ATP यानी कि 4 ADP से 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन फर्स्ट स्टेप में क्योंकि हमने 2 ATP यूज कर लिए थे, तो टोटल अमाउंट ऑफ ATP हमें जो मिला है वो है 2, 4 में मिले हैं और 2 हमने यूज कर लिए उस प्रोसेस में, तो टोटल कितने बचे, 2 ATP जो हमें वो मिले हैं। नेक्स्ट जो है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज और पाइरेवेट के बीच में जो 9 जो फॉस्फेट फॉस्फेट और फॉस्फोरिलेटेड जो होते हैं स्टेप्स में जो कार्बन, उनको एक ही ग्रुप में हम रखते हैं और एक तरीके से आयनाइजेशन होता है। यहाँ पे आयनाइजेशन में क्या होता है, और ये आयनाइजेशन होता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये हो सकता है या तो आयनीकरण से क्या होता है, मोस्टली ऋणात्मक आवेश वाले यौगिक बनते हैं। ऋणात्मक यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि जो खमीर और जीवाणु जो यूज करते हैं ग्लूकोज, उनका उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये देखिए जो रिएक्शन है क्या बता रही है, ग्लूकोज प्लस 2 ATP प्लस 2 फॉस्फेट के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और साथ में क्या बना है, 2 पाइरुवेट प्लस 4 ATP प्लस 2H+ प्लस 2H2O प्लस 2NADH+ और साथ में 2 ADP बना है। तो टोटल यहाँ पे 3 प्रक्रियाएं घटित हुई हैं। तीन प्रक्रियाएं यहाँ पे घटित हुई हैं हमारी, अभी हम इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। देखिए इसमें पहला है ग्लूकोज का एक अणु से दो पाइरुवेट में टूटना, देन ADP फॉस्फोरिलेशन से ATP का बनना, देन थर्ड है NAD+ के रिडक्शन से क्या होना, NADH2 में कन्वर्जन होना, और लास्ट में ग्लाइकोलिसिस में जो CO2 है वो प्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि CO2 का प्रोडक्शन तभी होगा जब ऑक्सीजन का यूज होगा, क्योंकि CO2 में भी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो CO2 में यूज है, तो वो कब हमें मिलेंगे, जब ऑलरेडी रिएक्शन में ऑक्सीजन का यूज है। लेकिन यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस है वो क्या है, एनएरोबिक है, तो एनएरोबिक में जो CO2 का प्रोडक्शन है वो नहीं होगा। तो अब हम इस टेबल पे के जरिए देखते हैं कि कौन, हमें इजीली समझ आएगा कि कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से कोफैक्टर यूज होते हैं। कोफैक्टर मेनली वो होते हैं जो कि एक रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं, और को एंजाइम वो होते हैं जो कि एक रिएक्शन की रेट को डिफाइन करते हैं कि उस रिएक्शन की रेट क्या है। रेट ये बताती है कि हमें उस प्रोडक्ट की एक टाइम में कितनी उसकी हमें कंजप्शन है और कितना हम उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो पहला है फॉस्फोरिलेशन, देखा था हमने इसमें एंजाइम यूज होता है हेक्सोकाइनेज, उसमें जो कोफैक्टर है वो यूज होता है Mg2+ यानी कि मैग्नीशियम, और ये रिएक्शन कौन सी थी, इरिवर्सिबल, यानी कि फर्स्ट थर्ड और टेंथ, ये कौन सी है रिएक्शन जो कि इरिवर्सिबल है। देन कम्स आइसोमराइजेशन, फॉस्फोग्लूकोआइसोमराइज, इसमें भी तो मोस्टली जो यहाँ पे इस